बन के तैयार हो चुका है। वेज मोमोज बन चटनी के साथ में बहुत ही सॉफ्ट डुबो के जो है बहुत अच्छा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं अब्दुल मालिक। आप सबको पता है मेरा आलिफ का जी चैनल के लिए जो है अभी रेसिपी बनाएंगे वेज मोमोज। वेज मोमोज जो है कैसे बनाते हैं वो जो है अभी दिखाएंगे दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हमारा वीडियो पूरा वॉच करें। होममेड वेज मोमोज है दोस्तों। हमने जो है बारीक कैबेज कटिंग कर लिया है और कैरेट कटिंग कर नहीं काटेंगे तो कटिंग भी दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, व्यूअर्स जो है स्किप कर करके देखेंगे। ये जो है हमने पहले से कटिंग कर लिया है कैबेज कैरेट, और देखें ऑनियन कटिंग कर लिया है और कैप्सिकम भी कटिंग कर लिया है, सकते हैं धनिया पत्ता कटिंग कर लिया है, ग्रीन चिल्ली भी हमने कटिंग कर लिया है। सॉस वगैरह जो है इसमें चाहिए होगा, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, टमाटो सॉस, ये जो है दोस्तों चिल्ली पेस्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, ऑयल, ये मैदा, पानी चाहिए होगा। अभी जो है मोमोज के लिए हमने जो है हंडी अभी बैठाएंगे मावा मारने के बाद में, कढ़ाई ले लिया है दोस्तों। अभी जो है पहले वेजिटेबल का जो है पानी कैसे निकालते हैं वेज मोमोज में वो है दिखाएंगे। अभी इसे उठा लेंगे एक कढ़ाई पैन, और कैप्सिकम भी उठा लेंगे, बाद में इसे नमक डालेंगे तो नमक डालने के बाद में जो है इसका पानी निकलेगा दोस्तों। नमक हमने थोड़ा सा ले रहा है, नमक लेके ऐसे ही मिक्स करना है अच्छी तरीके। नमक मिक्स करने के बाद में हम इसे रख देते थे 10 मिनट, आप लोग भी 10-15 मिनट रख दें। रख देने के बाद में देख सकते हैं अभी ऐसे ऐसे दबाना है आप लोगों को, ऐसे कितना पानी निकल रहा है। पानी निकाल लेंगे तो आपका जो है वेज मोमोज बहुत शानदार बनेगा, बहुत ही अच्छा तरीके से बनेगा दोस्तों। इसे पूरा का जो है पानी निकाल लेंगे इसी तरीके से, जितना है हमारा वेज उतना का पूरा पानी निकाल के दिखाते हैं कितना पानी निकाल दिया हमने। अभी मैदा का डो बनाएंगे, नमक ले रहे हैं, इसे नमक दोस्तों अभी पानी दे रहे हैं, पानी जो है एक साथ ना दें थोड़ा थोड़ा तो बहुत ही शानदार तरीके से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है दोस्तों। इसे जो है अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अभी इसे मालिश करना है ऐसे, इसके ऊपर जो है हल्का सा मैदा ऐसे डस्ट करना है, ऐसे जो है घुमा देना है। आप लोग देखें कितना अच्छे तरीके से हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है, मोमोज का डो बनकर तैयार। इसके ऊपर लगाएंगे अभी ऑयल, ऐसे ऑयल लगा लें, कपड़ा ढक देना है दोस्तों, 10 मिनट तक ऐसे रखना है, उसके बाद दिखाते हैं। अभी मसाला बना लेते हैं, रखा है स्लो रखा है फ्लेम को, पानी डाल दिया हमने, लगा देते हैं दोस्तों, स्लो फ्लेम पे रख दिया है, कढ़ाई हमने बैठा दिया। बनाएंगे वेज मोमोज का मसाला ऑयल, तो अभी दे रहे हैं गार्लिक चॉपिंग, ग्रीन चिली चॉपिंग, उसको हमने जो छान के रखे थे कैबेज कैरेट वो हमने ले लिए है, इनको हाई रखें। कैबेज का कैरेट का और जो बाकी बचा पानी है वो पूरा मर जाए, 2-3 मिनट तक चलाना है अच्छी तरीके से। लाजवाब कलर आ रहा है इनके मसाला, नमक ऑलरेडी हमने डाल दिया है, थोड़ा आएंगे ज्यादा नहीं, कम के डाल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में टेस्ट करके डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, टमाटो सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, चिल्ली पेस्ट, चिल्ली पेस्ट, तो अभी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी दे रहे हैं धनिया पत्ता, धनिया पत्ता, स्प्रिंग ऑनियन, पहले ना दें लास्ट में दें, ये तो अभी ये पक चुका है, इसे हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। तो मैदा का डो मालिश करके बेलेंगे और मोमोज बनाएंगे। हमारा 10-15 मिनट का बाद में हम ओपन कर रहे हैं, आप कितना सॉफ्ट बन चुका है, ऐसे ही चाहिए डो। अभी इसे मालिश करके थोड़ा सा मालिश करते हैं, इसका पेड़ा काटेंगे, फिर बेलेंगे और मोमोज के पेड़ा काटेंगे, ठीक है ना। तो हाथों में ऐसे लंबा कर लें, ऐसे पहले पेड़ा कर लेते हैं मोमोज का, उसके बाद में दिखाते हैं आप लोगों को। मोमोज के लिए जो है पेड़ा कंप्लीट हो जो है बेलेंगे दोस्तों। दोस्तों ऐसे मैदा डस्ट कर दें, ऐसा प्रेस करके ऐसे पकड़ के ऐसे दबाने के बाद में ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ये जो हाथों से ऐसा ये करना है, देख सकते हैं ना बेलन ऐसा घूमेगा, और हाथों में जो है आपका जो मोमोज ऐसे मोमोज का जो है पत्ता ऐसा बेलना है, ऐसे इतना मस्त बन चुका है देखें, लाजवाब। ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, रोलिंग को ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ऐसे सामने को और प्रेस करें, देख सकते हैं आप लोग ऐसे
झटपट बनाना है। होटलों में हम लोग झटपट बनाते हैं, हमारा रेसिपी मौजूद है, शॉर्ट वीडियो पे मौजूद है, रेसिपी मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं मोमोज कैसे बनाते हैं। फिर भी ये घर में जो आए हैं, घर का मोमोज दिखाते हैं। दोस्तों हमने जो है होटल पे काम किया है 2008 से 2023 तक, अभी चल रहा है, होटल का खाना मालूम है, उसके लिए हमने रेसिपी चैनल खोला है। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें, देख सकते हैं ऐसे ऐसे जो है मोमोज का पत्ता बनाएंगे, पूरा बना के दिखाते हैं। ऑलमोस्ट बेल के कंप्लीट कर दिए, और कितना लाजवाब, क्योंकि ऑयल लगाने से चिपकेगा नहीं, हमारा मोमोज जो है अच्छी तरीके से निकल जाएगा। मसाला जो है बहुत ज्यादा ना लेना है, पानी हाथ कर लेना है, पानी हाथ करने के बाद में ऐसे देखें, देखें कितना लाजवाब हमारा मोमोज बन चुका है, और एक बना रहे हैं ऐसे, इसी तरीके से मोड़ना है पूरा, ठीक है ना दोस्तों। छोटा मोमोज ना बनाए, थोड़ा सा बड़ा बनाए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, देख सकते हैं आप लोग कितना लाजवाब। उसके बाद में जो है दोस्तों ये वाला को इसी ऐसे देखें, ये वाला को जो है ऐसे देख सकते हैं ना, पूरा बना के दिखाते हैं। शानदार तरीके से हमारा मोमोज कंप्लीट हो चुका है, एक पाना है देखें, हमने बैठा दिया है, ढका देंगे, तरीके से टाइम देंगे 15 मिनट, तो बाकी बचा मोमोज हमने बना लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेम को करेंगे सुलझा, ये पाना को निकालेंगे, ठीक है ना। अभी जो बनाए थे दोस्तों ये पाना जो है पहला देते, अभी बैठा दिए 5 मिनट का बाद में ऐसे निकालेंगे, ये जो है 10 से 15 मिनट का अंदर निकाले, निकाल के दिखाते हैं। ढक्कन हमने बाहर निकाल दिया है, आप लोग देखें कितना लाजवाब बन के तैयार हो चुका है, निकाल लेते हैं, ये प्लेट में लगा के दिखाते हैं दोस्तों। वेज मोमोज बन के तैयार हो चुका है, रेड चटनी के साथ, पीस सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट, लाज कटिंग करके दिखाते हैं, जबरदस्त हमारा वेज मोमोज बन चुका है। डुबो के जो है बहुत अच्छा है।